रूस यूक्रेन की जंग को 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन अब तक ये जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। एक वक्त था जब पूरी दुनिया कल्पना कर चुकी थी कि रूस किसी भी तरह यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा और ऐसा नहीं हुआ तो उसे तबाह कर देगा। लेकिन ये कल्पना भी कोरी साबित हुई और अब जो हालात हैं वो और भी ज्यादा दहलाते हैं। हालात ये हैं कि अब यूक्रेन जंगी जमीन पर रूस के मुकाबले भारी पड़ता नजर आ रहा है और ये कोई अनुमान नहीं है बल्कि साक्षात दिख रहे हालात हैं, जिनमें हर मोर्चे पर रशियन फोर्स बैकफुट पर है और यूक्रेनी फोर्स की आक्रामकता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिख रही है। आप भी देखिए यूरेशिया के ताजा हालात और समझिए इन हालात की असली वजह। Пошли по дальней! छह महीने 15 दिन बाद यूक्रेन में बदले हालात। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लंबा वक्त गुजर गया, बेतहाशा बारूद बरसा और नतीजा सिफर ही रहा। लेकिन अब 6 महीने से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद एक बड़ी हलचल महसूस हो रही है। ये हलचल है जंग में जीत और हार के निष्कर्ष से जुड़ी। इस जंग में परमाणु हथियार के इस्तेमाल का खतरा कभी टला नहीं, ना ही इस खतरे को टालने की किसी ने कोशिश की। नतीजतन डर के साए में मददगारों के हथियार से यूक्रेन की सेना ने लंबी जंग का सामना किया और रूस हमेशा हावी रहा। लेकिन अब जो हालात दिख रहे हैं वो परमाणु हथियार के खतरे के डर को खत्म होता दिखा रहे हैं। यही वजह है कि जो यूक्रेनी फोर्स अब तक यूक्रेन में पीछे रशियन बारूद से बचकर आगे बढ़ रही थी, वो फोर्स अब ताकत की नुमाइश कर रही है, रूस पर भारी पड़ रही है। तो क्या रूस यूक्रेन की जंग में जीत हार का फैसला होने वाला है? क्या युद्ध में यूक्रेन की रूस के खिलाफ जीत होने वाली है? और क्या यूक्रेनी फोर्स रूसी कब्जे से अपनी जमीन मुक्त करा लेगी? इन ताजा हालातों को देखकर सवालों की अहमियत आप समझ रहे होंगे और अगर कल्पना नहीं कर पा रहे हैं तो इन तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए कि 24 फरवरी 2022 की तारीख के बाद पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में जो तस्वीर रशियन फोर्स ने दिखाई थी वही तस्वीर अब यूक्रेनी आर्मी दिखा रही है। हो सकता है इतनी बड़ी हलचल को देखकर आप कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए ये यूक्रेन की ही फोर्स है और यूक्रेन की फोर्स का ये काफिला उन क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ रहा है जहां रशियन फोर्स ने कब्जा जमाया है। यूक्रेनी फौज के जितने भी वीडियो जारी हुए हैं उनको देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ज़ेलेंस्की की फोर्स पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, उनको अत्याधुनिक हथियार मिले हैं और उनकी मदद से वो रशियन फौज को पीछे धकेलने की नई रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। दावा यह है कि जो रशियन फोर्स एक वक्त पर कीव के करीब पहुंच चुकी थी, जिसने कीव के मुहाने पर बारूद बरसाया था, उसे देश के बाहर खदेड़ने के लिए यूक्रेनी फोर्स ने ऐसी रणनीति बनाई कि अब जहां से रूसी फोर्स की एंट्री हुई उस पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में यूक्रेनी फोर्स लगातार मजबूत होती जा रही है। और इस दावे की पुष्टि करती है वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया के जरिए जारी हो रही है। ये तस्वीरें डोनेट्स्क के उसी पश्चिमी क्षेत्र चैप्लेने से आई है जहां यूक्रेन के 31वें स्वतंत्रता दिवस पर रूस ने स्कंदर मिसाइल अटैक करके चलती ट्रेन की 4 बोगियां उड़ा दी थी। लेकिन अब निडर यूक्रेन उसी रूट से रूसी फोर्स के खिलाफ हथियार और गाड़ियों की सप्लाई कर रहा है। अब ये तस्वीर देख लीजिए, पूर्वी हिस्से में यूक्रेन ने इसकी तैनाती कर दी है।
यानी कोई भी रूसी मिसाइल या प्लेन यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल तो हो सकता है, लेकिन उसका बचना नामुमकिन है। ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में हालात बदल गए हैं। अब रूस पर यूक्रेन हावी होता जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? दावे के तहत यूक्रेन के खिलाफ रूस की शुरुआती रणनीति गलत साबित हुई। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 72 घंटे का स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन रूस का स्पेशल ऑपरेशन तय वक्त में पूरा नहीं हो सका, इसलिए क्षमता बढ़ाकर यूक्रेन में युद्ध छेड़ना रूस की मजबूरी बन गया। नतीजतन जंग की वजह से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ गया। दावे के मुताबिक रूस ने पिछले 6 महीने में न सिर्फ अपने 50,000 सैनिकों को खो दिया, बल्कि सैकड़ों टैंक्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, व्हीकल्स, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को भी खोना पड़ गया। और ये सब यूक्रेन की फोर्स ने अपने दम पर हासिल नहीं किया, बल्कि विदेशों से मिली मदद की बदौलत रूस के खिलाफ यूक्रेन सैद्धांतिक मोर्चे पर जीत के करीब पहुंच गया। और अब जब रूस के पास एडवांस्ड और कन्वेंशनल हथियारों की कमी पड़ने लगी है, तब यूक्रेन और ज्यादा मजबूत दिखने लगा है, जिसमें यूक्रेनी फोर्स के हौसले का भी योगदान है। वॉर जोन में यूक्रेनी फोर्स की इतनी बड़ी टुकड़ी देखकर यकीनन रशियन सैनिक दहल जाएंगे। अपने देश का राष्ट्रगान गाते ये सैनिक किसी भी हद तक जाकर अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। और अब इस हौसले का ट्रेलर भी देख लीजिए। जो बारूदी धुआं आप देख रहे हैं वो सामान्य नहीं है। इस बार हवाई हमला किया है यूक्रेनी फोर्स ने, और जिस पर हमला हुआ है वो रूस के BMD एम्फीबियस इन्फेंट्री के टैंक्स है। कल्पना से परे लेकिन यही सच है, और आपकी हैरानी तब ज्यादा बढ़ जाएगी जब आप यूक्रेन के अटैकिंग हथियार देखेंगे। इन तस्वीरों को देखकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि यूक्रेनी फोर्स अमेरिका से मिली पोर्टेबल जेवलिन मिसाइल के जरिए रशियन फोर्स और उसके भारी भरकम टैंक्स को निशाना बना रही है, और यही कामयाबी अब बड़े पैमाने पर हासिल करने की तैयारी है। दरअसल यूक्रेन फोर्स ने दक्षिणी हिस्से के खेरसोन में निप्रो नदी के किनारे तक रशियन फोर्स को ढकेल दिया है। इसके अलावा मारियोपोल पर संकट टालने के लिए पहले से ही यूक्रेनी फोर्स वहां मौजूद है। इसीलिए दक्षिणी हिस्से में रशियन फोर्स के पास रशियन कब्जे वाले क्रीमिया को लौटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, और वहां भी रूसी सैनिक निप्रो की खाड़ी के सहारे ही पहुंच सकते हैं। लेकिन यूक्रेन की हलचल बता रही है कि इस बार दक्षिण में रणनीति क्रीमिया को भी हासिल करने की है, जिसका प्रमाण है पूर्वी हिस्से में यूक्रेन की बढ़ी हलचल। ये तस्वीर आपको चौंका सकती है। यूक्रेन की रणनीति का अनुमान इसी तस्वीर से लगाया जा सकता है। यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स इजियम की तरफ बढ़ रहे हैं, उस इलाके की तरफ जहां से रशियन फोर्स को उसी के दायरे में समेटना आसान होगा। यूक्रेनी फोर्स के टारगेट पर सिर्फ इज्यूम ही नहीं है, बल्कि टारगेट पर खार्किव भी है। वो हर जगह है जहां पर रूसी फोर्स तैनात है, ताकि यूक्रेन को पूरी तरह से रूस से मुक्त करवाया जा सके, और साथ ही मान्यता प्राप्त लुहांस्क और डोनबास को फिर से वापस पाने के लिए भी यूक्रेन की तरफ से फुल फ्लेज एक्शन शुरू कर दिया गया है। दावा है कि रशियन फोर्स पर ताजा हमला खार्किव क्षेत्र के चुहाइव में हुआ है, और इसमें रूस को नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी क्षेत्र में रशियन फोर्स का भारी जमावड़ा है। लेकिन अब यूक्रेन फोर्स अपनी ताकत का एहसास कराने आगे बढ़ चुकी है, वो भी नए इनपुट्स के साथ, नई रणनीति के तहत। इसमें नेटो के जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टॉल्टनबर्ग का वो इनपुट भी शामिल है जिसमें दावा है कि रूस ने 80% से ज्यादा जमीनी सेना तैनात की है। इनपुट्स के आधार पर ही यूक्रेन फोर्स ने दक्षिण और पूर्वी हिस्से की तरफ कूच किया। दावा यह भी है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में यूक्रेन फोर्स को विदेशी लड़ाकों से मदद मिल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन फोर्स के साथ 3 देशों के बहुत ही ट्रेन पूर्व सैनिक जंग लड़ने उतरे हैं।
इनमें ब्रिटेन के पूर्व सैनिकों की एक बड़ी टीम के शामिल होने का दावा है। बताया जा रहा है कि इन विदेशी सैनिकों को यूक्रेनी फोर्स की लोकल जानकारी का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा अत्याधुनिक हथियार चलाने में माहिर विदेशी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले से रशियन सैनिक बैकफुट पर हैं। दावा यह भी हो रहा है कि अब तक हुए नुकसान की वजह से अब जो फोर्स यूक्रेन में तैनात हुई है वो विदेश से आए सैनिकों के मुकाबले कम अनुभवी है। उन्हें जमीनी जंग लड़ने का कम अनुभव है, इसलिए यूक्रेन भारी पड़ता नजर आ रहा है। और यही वजह भी है कि रशियन सैनिक पीछे खिसकते जा रहे हैं, जबकि यूक्रेनी फोर्स अब नए जज्बे के साथ अपने देश को रूसी सेना के कब्जे से मुक्त कराने के लिए आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।